बिग बॉस सीजन 15 का पहला वीकेंड का वार आज आया है। और आज के दिन सलमान खान, जिन्होंने आके सबसे पहले क्लास लगा दी प्रतीक सहजपाल की, प्रतीक सहजपाल की कुछ गलतियों की वजह से, जिन्हें प्रतीक सहजपाल को आज ये सब सुनना पड़ा। और आपको बता दें कि उन्होंने ये तक भी कुछ ऐसी बात को भी बोल दिया जिसे साइलेंट करना पड़ा, यानी कि कुछ ऐसी बात को उन्होंने बोला, क्यों बोला ये भी सलमान खान ने रिवील किया है कि आखिरकार उन्होंने क्या बोला है, उस बात का मतलब क्या था। हम आपको बताते हैं सबसे पहले प्रतीक सहजपाल की कुछ ऐसी गलतियों को लेकर। प्रतीक सहजपाल से पूछा सलमान खान से कि इससे पहले आपने कहाँ कहाँ पर जॉब किया, माफ़ कीजिए, आपने कहाँ कहाँ पर काम किया है। प्रतीक सहजपाल ने कहा कि एमटीवी के एस ऑफ स्पेस में, लव स्कूल में, रियलिटी शो में मैंने काम किया, होस्ट भी किया है। कुछ इस तरह की बातों को उन्होंने रिवील किया अपने काम के बारे में, अपने वर्क के बारे में। उन्होंने बताया कि क्या वहाँ सब वहाँ की जो प्रॉपर्टी है आपने डैमेज की है। प्रतीक सहजपाल, जिनका जो सर है, वो झुक गया। उसके बाद प्रतीक सहजपाल को लेकर बातें आती हैं, एक तो प्रॉपर्टी डैमेज वाली, और दूसरी बातें आती हैं प्रतीक सहजपाल को लेकर आखिरकार उन्होंने इस तरह की हरकत को क्यों किया, जब विधि पांड्या जो अंदर शार ले रही थी, और बाथरूम का गेट तोड़ने का क्या मतलब बनता है, बाथरूम का गेट तोड़ा ही क्यों, जब वो लॉक है तो उस गेट को तोड़ा, उसके लैच को क्यों तोड़ा। अब बात आ गई कि भाई इज्जत पे, क्योंकि इज्जत वाली बात है इज्जत। सो आपको बता दें कि जिस तरह से सलमान खान ने कहा कि अगर वो मेरी माँ बहन होती तो मैं, उन्होंने कुछ ऐसा बोला, काफी ड्रास्टिक बोला, जिसे साइलेंट किया गया। बाद में सलमान खान ने कहा कि ये जो मैंने बोला है, ये मैंने इसलिए बोला है कि अगर मेरी वहां पर होती बहन और ऐसा कुछ होता तो मैं उस बंदे की, तो उन्होंने कुछ इस तरह की बातों को रिवील किया। तो सलमान खान ने एक तरह से काफी शांत स्वभाव में, लेकिन प्रतीक सहजपाल को समझा दिया है कि आगे से अगर ऐसी हरकत करी तो, अभी तो प्यार से समझा दिया लेकिन आगे जाके प्यार से नहीं समझाएंगे। और आपको ये बता दें कि जिस तरह से सलमान खान की जो वार्निंग थी, ये एक उनकी शांत स्वभाव वाली जो उनकी वार्निंग थी, लेकिन काफ़ी गुस्सा होते सलमान खान, लेकिन आपको बता दें कि सलमान खान ने कहीं ना कहीं आज कंट्रोल किया है। उन्होंने करण कुंद्रा को लेकर भी बोला है, उन्होंने जय भानुशाली को लेकर बोला है कि ये वो जय भानुशाली नहीं है, ये लैंग्वेज जय भानुशाली की नहीं है। लेकिन जिस तरह से इस घर में आने के बाद जय भानुशाली इस तरह की लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, वो जो बॉडी शेमिंग वाली बात थी, एज शेमिंग वाली बात थी, जो प्रतीक सहजपाल को उन्होंने कुछ बोला था, उनकी हाइट को लेकर कुछ बोला था, उसके बाद उन्होंने चुटकी लेना शुरू किया। उन्होंने निशांत को भी बोला कि निशांत, जो कि प्रतीक सहजपाल की गलतियों को छुपा रहा है, उनकी जो गलती है उसे कवर अप करने की कोशिश की है निशांत ने। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बिग बॉस ओटीटी में उन्होंने ये सुना था कि निशांत जो है वो सही के लिए स्टैंड लेता है, लेकिन इस बार निशांत को क्या हुआ कि बिग बॉस सीजन 15 में आने के बाद प्रतीक सहजपाल कुछ ऐसी गलतियां कर रहा है जिसे कवर अप करने की कोशिश की जा रही है निशांत भट्ट की तरफ से। और आपको बता दें कि जिस तरह से बाकी लोग, जिसमें करण कुंद्रा हो गए, तो करण कुंद्रा को भी लेकर कुछ कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, कुछ एक छोटी सी कुछ बात थी, उन सबको लेकर उन्होंने कुछ बात को रिवील किया। और आपको बता दें कि इसके बाद उन्होंने फिर मजाक करना शुरू कर दिया, सिम्बा नागपाल जो, उनको लेकर कुछ मजाक लेना मजाक करना शुरू किया। फिर ईशान सहगल और मईशा अय्यर, उनके लेकर भी उन्होंने कहा कि अभी तो बिग बॉस के घर में कदम रखा ही है और अभी से ये क्या शुरू हो चुका है, यानी कि जो रोमांस वाली बात है मईशा अय्यर की और ईशान सहगल की। और अकाशा ने कहा, अकाशा जो है सिंगर अकाशा, तो उन्होंने कहा कि मैंने सेटिंग कराई है इन दोनों की, मैंने सेटिंग कराई है। तो इन सब तरह की जो बातें हैं वो सामने आई। और आज मेहमान के तौर पर राखी सावंत आई और राखी सावंत ने खूब मजे लिए। और आपको बता दें कि जिस तरह से सलमान खान का आज जो मेन हाइलाइट्स में, सलमान खान ने जो बेसिकली प्रतीक सहजपाल को, जो कि एक्सपेक्टेड था कि होना था, हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया भी था कि प्रतीक सहजपाल की इन गलतियों को पकड़ेंगे सलमान खान, और इन्हीं गलतियों पर जो बातें होंगी और इन्हीं गलतियों पर सलमान खान जो है कुछ ना कुछ रिएक्ट तो ज़रूर करेंगे। तो सलमान खान का जो रिएक्शन सबने देखा, एक अलग तरह का रिएक्शन सलमान खान का, लेकिन बाद में उन्होंने प्रतीक सहजपाल को लेकर भी उन्होंने मजाक करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा जो माहौल है उसे कूल डाउन करने की कोशिश की। तो आपको बता दें कि जिस तरह से
सलमान खान जो कि पहला वीकेंड का वार था जिसमें सलमान खान शायद शायद वो कुछ गलत नहीं करना चाहते थे। और आपको बता दें कि यही है कि आप सलमान खान आगे क्या कितने ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि पहले ही सीज़न 15 के पहले ही हफ्ते में जब इतना सब कुछ हो चुका है, रोमांस शुरू हो चुका है, लड़ाइयाँ इस तरह की शुरू हो चुकी हैं, और जिस तरह से बॉडी शेमिंग हो रही है, ग्लास तोड़ा जा रहा है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और बाथरूम के लैच को तोड़ा जा रहा है, कुछ इस तरह की बातें बिग बॉस सीजन 15 में पहले ही दिन से शुरू हो गई हैं। और सलमान खान ने शायद इस बार उन्होंने पेशेंस से काम लिया, लेकिन अगली बार से अगर कुछ ऐसा होता है तो वो पेशेंस से काम नहीं लेंगे। वेल, आपकी क्या राय है, कैसा लगा आपको, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अपडेट्स के लिए।